कालू कालू, अरे पता नहीं ये कहां मर गया है। कालू कहां हो, अब आ जाओ। क्या हुक्म है सरकार? कहां थे तुम, देखा नहीं दोपहर होने को है। माफी चाहता हूँ, एक जरूरी काम में फंस गया था। जरूरी काम? कौन सा जरूरी काम? कुछ नहीं, बस दो जानवर आपस में लड़ रहे थे तो दरख्त पर बैठकर बातें सुन रहा था। लो सब फजूल काम, खैर छोड़ो, अब जाओ और उस बंदर से एक जिंगर बर्गर लेके आओ। उसे कहना उसमें एक्स्ट्रा चीज होना चाहिए। साथ कोल्ड ड्रिंक चाहिए? नहीं, वो नुकसानदेह होती है। फास्ट फूड कौन सा फायदा मंद है? अब जितना बताया उतना करो जाके। अरे बाबा, कितना ज्यादा वक्त लगा दिया इसने। सलाम शेर खान। वालेकुम सलाम, क्या हुआ, खाली हाथ क्यों लौट आए? उसका रेस्टोरेंट रेनोवेशन की वजह से एक माह के लिए बंद है। क्या, बंदर अपने रेस्टोरेंट की रेनोवेशन करवा रहा है? वाह वाह, अब बताओ मैं क्या खाऊं? कुछ नहीं, बस आपको फितरी तरीके से शिकार करना होगा। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम तो जानते हो मैं एक मॉडर्न शेर हूँ, ऐसी हरकतें मुझे जेब नहीं देती। जी ठीक है शेर खान, अब मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है, क्या मैं जाऊँ? एक और जरूरी काम, अब कौन सा काम है? यही काम कि मैं पूरे जंगल को बता दूँ कि आप शिकार के लिए जा रहे हैं। अरे बेवकूफ, इस तरह तो सब छुप जाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे फिर भी जाना होगा। कहीं ये ना हो मैं तुम्हें ही खा जाऊँ। नहीं ठीक है, मैं कल बता दूंगा उन्हें। तुम यही रुकोगे मेरे शिकार करने तक। मेरा दोपहर का खाना मिल गया। और नहीं भाग सकता। तुम अब नहीं बच सकते। अच्छा, शिकार का इरादा? कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे कोई और तरकीब लड़ानी होगी। देखो प्लीज मर जाओ, दफा हो जाओ। जी कौन? आवारा बंजारा मंजिलों का भटका हुआ मुसाफिर। मुसाफिर के रूप में छुपे मकार? अरे मर गया रे। क्या समान आ गया, इन जिंगर बर्गर्स ने तो मुझे निकम्मा कर दिया। वरना ऐसा शिकार तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। जा बंदर, तेरा बेड़ा गर्क हो, अगर मुझे जिंगर बर्गर मिल जाता तो आज मैं इस तरह से बेआबरू ना हो रहा होता। ओए। हाँ? ये लीजिए आपका जूस। मोहतरमा, मैंने चाय का ऑर्डर दिया था, इनको इनके जूस के ग्लासेस मिल गए, लेकिन मुझे मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं मिली? अगर मेरी चाय अभी कभी ना आई तो जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ? चुपचाप यहाँ बैठे रहो। मुझसे कह रहे हो, गुस्सा आ गया तो दुकान तोड़ दूंगा तुम्हारी। निकल जाओ यहाँ से। तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि मेरे जैसे शरीफ जानवर तुम्हारे रेस्टोरेंट पे आए। पकड़े। सलाम, एक टिकट दो मुझे आगे की सीट की। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें काम कहा था, अभी तक किया क्यों नहीं? जनाब मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, मुझे नतीजा चाहिए। वो बहुत चालाक जानवर है, तुम अपना दिमाग लड़ाओ, हमें किसी तरह से उससे बदला लेना ही होगा। जी जनाब। अब हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, इस जंगल में या तो वो रहेगा या हम रहेंगे। यानी इसका मतलब है लूमड़ को मरना होगा। मुझे कुछ नहीं होगा, बदतमीज लोग। ये क्या था, इतनी फजूल फिल्म लगाई है तुम लोगों ने यहाँ पे? अच्छा तो अभी क्या हुआ? डब्बा फिल्म है, जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। दफा हो जाओ मरियल। नहीं देने। कोई भी इस जंगल में मेरी एक भी नहीं सुनता, मेरी भी कुछ इज्जत है यार, कम ऑन। एक नेक शरीफ समझदार और चालाक जानवर के साथ ऐसा सुलूक हो रहा है यहाँ पे। कोई भी मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं है। ये तो समनु है। सामनो रुको तो सही, इस उदासी का सबब क्या है, क्या हुआ है तुम्हें, इतना गुस्सा किस लिए? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। बताओ तो सही, हुआ क्या? इस जंगल में हर कोई मुझे अपनी ताकत दिखाता है,
मुझ जैसे अक्लमंद और चालाक जानवर का हक खाया जा रहा है। क्या कहा? केस में इतनी जरूरत के तुम्हारा हक खाए? सब के सब ऐसे ही शेर खान। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे मौत आ जाए और सबको सुकून मिल जाए इस जंगल में। अरे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो यहाँ की रौनक हो। मेरे होते हुए फिक्र की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारा हक दिला के रहूँगा। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? ओ यस। अच्छा किया ये बात मेरे नोटिस में लाए हो। मैं भी कहूँ लूमर कम क्यों हो गए? तुम्हारी जुल्म के खिलाफ उठने वाली सदा मेरे कानों तक पहुँच गई है समनू। अब फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पर वो कैसे? क्योंकि आज से मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ मेरे दोस्त। किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम्हें डराए या धमकाए। वाकई शेर खान, क्या तुम सच कह रहे हो मेरे भाई? ट्रस्ट मी यार, अब मुझे बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। हाँ, बहुत सारी जगहों पर। सलाम शेर खान, खुश आमदी। मेरे दोस्त का इस्तकबाल करो। क्या लूमड़ का? हाँ सही सुना, किसी लूमड़ का। जनाब क्या खाना पसंद करेंगे आप? जी बताइए क्या खाएंगे आप? 3 कप चाय और 2 गाजर वाले केक। जल्दी लेकर आओ, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा हुक्म। शेर खान मेरी टांगे दुख रही हैं। अच्छा? दबा दो। बस बस। अरे मैं आपके लिए टिश्यू लाता हूँ। रुको। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। जरा इनकी बात तो सुनो। जी। अरे क्या चाय गिर गई, मैं और लाता हूँ। रुको, अभी मेरा कप खाली नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हो? जी फरमाइए। मैं अभी आता हूँ। सुनो बकरे। जी। मैंने कहा था 3 कप चाय। जी अभी लाता हूँ। चाय आने में और कितना टाइम लगेगा? बस अभी लाता हूँ। इतनी घटिया सर्विस वाले रेस्टोरेंट पे बैठ के कैसा फील कर रहे हो शेर खान? नन्नी जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। इसे वही रहने दो, बाहर इसका क्या काम है? हमें मोहतात रहना होगा, क्या पता कब हमारा सामना समनू से हो जाए। तो हम किस लिए है? अगर वो सामने आ तो मजा चखा देंगे। अरे ये क्या, शेर खान और समनू मुझे खाने आ रहे हैं। आगे मत बढ़ना वरना अच्छा नहीं होगा। अगर कुछ कहा सुनाओ तो माफ कर देना, मैं आखिरी सफर पर रवाना हो रहा हूँ। हमसे अपनी टांग बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा किया था चुपचाप चले गए, वरना मोती ब्रदर्स आज मार डालते तुम्हें। वो शेर ही क्या जो तुम जैसे कुत्तों के मुंह लगे। बहुत खूब नन्नी, और कितना वक्त चाहिए, मर जाने दो हमें। देखो मुझे मरने का शौक नहीं। क्या कहो भाई, कभी कभार तो मुझे इसका रवैया बिल्कुल समझ नहीं आता। हाँ तुम ठीक कहते हो। तो टिकट देना जरा। शो तो कब का शुरू हो चुका, तुम देर से आए हो, अब का लाना। हेलो शेर खान। 2 फ्रंट रो टिकट, 1 लूमर का 1 मेरा। लेकिन वो हमारे पास जगह नहीं है। मैं खाली करवाऊं? ओ आइए जनाब आइए, हमारे सर पर बैठिए। पर तुम्हारे सर पे तो सींग है। अब एक ही सींग रह गया, आप कहते हैं तो कटवा देता हूँ। आइए आइए जनाब तशरीफ रखिए। शेर खान ये कंफर्टेबल नहीं है, मैं तो नहीं बैठ सकता यहाँ। तो आप बताएं कि क्या करना है। कोई सोफा टाइप होना चाहिए, इस तरह तो मजा नहीं आएगा। कोई कंफर्टेबल सीटिंग करवाओ। अगर तुम चले गए तो सोचो जरा तुम्हारे बाद मेरा क्या हाल होगा। देखो मुझे जाना होगा, वरना लोग कहेंगे कि लूमड़ वफादार नहीं था। तुम अपना ख्याल रखना। पर मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगी, समझो इस बात को। पहली लाइफ बोट पर ही यहाँ से निकल जाना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बबलू। नहीं मेरे वफादार लूमड़, तुमने अपनी जान कुर्बान करके पूरे जंगल में अपने आप को सुरखुरु किया है। ये तो बिल्कुल मेरी कहानी लगती है शेर खान। ला 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 ला, बहुत मजा आया आज। शेर खान मैं फ्रेश होके सोने जा रहा हूँ। ये तो बताओ मुझे कहाँ सोना है। जाओ अपने लिए गद्दा ले आओ। यानी मैं जमीन पर सोऊंगा? नहीं मेरे अजीज, आप तो मेरे मुहाफिज हैं। आप बेड पे सो जाएं, मैं गद्दे पे सो जाऊंगा। हाँ ये हुई ना बात। कितने भयानक खराटे ले रहा है ये, क्या बदतमीजी है शेर खान। यहाँ से नहीं, अगर ये चला गया तो मेरी सारी आशाएं भी चली जाएंगी, मुझे पहले की तरह नहीं जीना।
गुड मॉर्निंग, क्या अच्छा ख्वाब था। अब समनु, तुम सोए नहीं? नहीं, दरअसल मुझे एक भयानक ख्वाब आ गया था। चलो उठो और नाश्ते का दस्तरखान लगाओ, उसके बाद तुम बेहतर महसूस करोगे। नाश्ता वो भी अभी। क्या खुशबू है, ये लीजिए। वाह वाह, क्या ही मजे का दिन है। शुक्रिया मेरे दोस्त। बहुत अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। कोई बात नहीं, नाश्ता करने के बाद आराम कर लेना। चलो ठीक है। आज का तुम्हारा स्केड्यूल क्या है वैसे? नींद से सर फट रहा है, कुछ देर सोऊंगा फिर देखूंगा। लगता है हमारी खूब जमेगी। क्या सच में? मुझे भी अब तो ऐसे ही लग रहा है। तुमने गौर नहीं किया, कल रेस्टोरेंट में सबके चेहरे देखने वाले थे। हाँ, बेचारा बकरा। मेरा पेट भर गया तो मैं थोड़ी देर सो लूं। मैं भी बर्तन उठा के अंदर आता हूँ सोने। शेर खान फिर से सो गए। खाने के बाद कुछ देर सोने की पुरानी आदत है मेरी। हाँ, लेकिन तुम तो नींद में बहुत खराटे लेते हो, मैं कैसे सोऊंगा? क्या मैं रियली? हाँ, बहुत जालिम खराटे। अरे वो खराटे नहीं, मैं घुराता हूँ, शेर हूँ ना। चलो। आज तो सोने का मजा आ गया। क्या हुआ समनु, अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं? नहीं। अच्छा चलो कहीं घूमने चलते हैं, वापस आकर सो जाना। बाहर की ताजा हवा खाते हैं और कुछ दोस्तों से मिलते हैं। अगर मैं सोया होता तो जरूर जाता, अभी बहुत थका हुआ हूँ। अच्छा छोड़ो, बताओ कि लंच में क्या है? फिर से खाना। हाँ तो और क्या? अच्छा अभी उठ के कुछ बनाता हूँ। वाह समनु, तुम्हारे हाथ के बने खाने का कोई जवाब नहीं है। थैंक यू। इतना अच्छा खाना खाने के बाद थोड़ी देर तो सोऊंगा मैं। क्या फिर से सोना चाहते हो? हाँ, क्यों, कोई काम था क्या? क्या नहीं नहीं नहीं, ठीक है सो जाओ। अच्छा फिर सो जाते हैं। अरे यार, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम ऐसा करो कि मेरे पास यहाँ सो जाओ। आप ही बताएं मैं क्या करूं, मुझे क्या पता था कि मेरा मुहाफिज इतना खतरनाक होगा। बहुत अजीब बात है, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे सांप और सुअर की कहानी याद आ गई। और क्या थी उनकी कहानी? उस सांप की कहानी जो सुअरों के साथ रहता था और खुद को ताकतवर समझता था सुअरों को सांप पेश करके। हाँ, ये तो बहुत अजीब कहानी है। हाँ बिल्कुल, हमेशा याद रखो, अगर किसी चीज के बदले कोई चीज तुम्हें आसानी से मिल जाए तो उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हाँ, अच्छा तो कहानी का अख्तिताम क्या हुआ? अफसोस के वो कहानी अब भी जिंदा है तुम्हारी शक्ल में। हाँ, बताएं अब मैं क्या करूँ। मेरी एक बात याद रखना, इज्जत या आसाइश में से हमेशा इज्जत मुंतखब करो। शेर! क्या है, डरा दिया, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। मैं समझा के कुछ हो गया है, चलो नाश्ता बनाओ, मुझे जोरों की भूख लगी है। अच्छा। याद रखो, कभी किसी ताकतवर का एहसान मत लो, हालात का हमेशा खुद मुकाबला करो, चाहे वो कितने ही सख्त क्यों ना हो। इज्जत या आसाइश में से हमेशा इज्जत मुंतखब करना।